खगड़िया के परबत्ता के खजरेठा गांव में बोरवेल में गिरने से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। खजरेठा पंचायत के वार्ड नंबर 16 में रहने वाले ब्रजेश शर्मा की 8 साल की बेटी खेलने के क्रम में अचानक से पैर फिसलने से बोरवेल में जा गिरी। इसके बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। जेसीबी से लेकर सारा सामान तुरंत मंगवाया गया। बच्चों को सकुशल देखने के लिए लोगों की भीड़ की नजर बोरवेल पर टिकी थी। काफी मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से निकालकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र में एक गांव में जहां पर बोरिंग का कार्य चल रहा था, वार्ड नंबर 14, वहां पर देर रात जो बारिश हुई है उसके कारण फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गड्ढा खुला हुआ था जिसमें कि फिसल जाने के कारण बच्ची इस बोरवेल में गिरी और निश्चित रूप से रात का जो बारिश हुई उसका पानी भी इसमें जमा था, तो उसके कारण डूबने से उसकी मृत्यु वहां पर और ऐसे मृत्यु हुई है। तो इसमें हम लोगों ने 4 लाख का जो मुआवजा की राशि उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध भी करा दी है। साथ ही साथ जो संवेदक है जिनके द्वारा यह कार्य कराया गया, बताया जाता है कि वहाँ पर 2 बोरिंग हुआ था। पहले एक बोरिंग हुआ जो असफल रहा और उसके पश्चात दूसरी बोरिंग में कार्य चल रहा था। पहले बोरिंग को निश्चित रूप से उनको बंद कर देना था और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये प्रयास किया जाना चाहिए था कि कोई घटना ना घटे। तो संवेदक और जो भी एजेंसी है जिसको की कार्य आवंटित था, दोनों पे ही प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे दिया गया। जानकारी के मुताबिक नल जल योजना के तहत गांव में बोरवेल खोदा गया था, जिसका शिकार ये मासूम हो गई। इस लापरवाही के चलते खगड़िया डीएम ने गंभीरता से जांच करने और जिनके द्वारा गड्ढा खोदा गया था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम के द्वारा पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए खगड़िया से अमित कुमार की रिपोर्ट।